हम आ चुके हैं अपने पॉइंट पर। ये है मिस्टर नितिन, क्या हाल है? और ब्रो, हेलो ब्रो, हाँ जी, और क्या सर? बढ़िया। तो फिर आज कहाँ का प्रोग्राम है? आज हम जा रहे हैं लेपर्ड बेस। तो आज हम जा रहे हैं मानेसर, दिल्ली के सबसे नज़दीक जो आपको पहाड़ मिलने वाले हैं वो है मानेसर में। मानेसर में ठीक है, तो चलो वहाँ पे चल। चल अब चल, अब निकल ले। ये नितिन सर की गाड़ी है। गाड़ियाँ एक से एक आई है भैया, है ना? आज ये वीडियो ना बड़ी धमाकेदार होने वाली है। लाइव हो गया? हेलो, चलो जी। चलो भाई हम भी चलते हैं। हम तो हो गए हैं भाई तैयार, पर जो बाइकों के साउंड है ना वो बिल्कुल मजा दे रहे हैं। वो गए भाई, आज तो भाई बाइकों का मेला भर रखा है इधर। बाइकें ही बाइकें हैं इधर। तो अभी हम चलेंगे लेपर ट्रेल की तरफ और वहाँ का थोड़ा दिखाएंगे आपको। चलो भाई चलो, ये निकल लिए भाई। हम थोड़ा पीछे चलेंगे, वीडियो बना रहे हैं ना। तो भाई निकल लिए हम यहाँ से। अभी एक से एक बाइकें आएंगे भाई इधर। वैसे तो हमारा प्रोग्राम आज सिग्नेचर ब्रिज से गाजियाबाद, तो एकदम प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया। तो भाई घर से तो निकल ही लिया था, मैंने देखा व्हाट्सएप पर देखा है एकदम, तो भाई ये तो मैसेज आ रखा है, फिर चलो इधर का ही प्रोग्राम बनाते हैं। तो फिर आज हम पूरी जो ट्रिप है हमारी लेपर ट्रेल की है। Thank you.
कैसी आवाजें हैं बाइकों की, कोई सिट्टी मार रही है, कोई हो कर रही है। ये देखो, ये देखो, एक और आई हुई। भाई हमारे बॉस पता नहीं किधर गए। बाइक दिखाने में ना भाई कंजूसी दिख रही है बिल्कुल भी। अब फिर वहां जाकर दिखाएंगे हम स्टंट, एक से एक नहीं दिखाएंगे। गाड़ियों में से झांक झांक कर देख रहे हैं। तो भाई बात है ऐसी, ना जाने कैसी ऐसी। भाई वाह, ये गए अपने नितिन माही जी। चलो इसका पीछा करके देखते हैं, अभी इससे रेस लगाएंगे हम। ये पकड़ लिए मैंने नीति भाई को। इनके पास है इंटरसेप्टर, मस्त आवाज है इसकी भाई। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा होगा या नहीं। देखो गाड़ी, पार्क की जगह गाड़ी लेकर आ रहा पूरी बड़ी। एक और आई पीछे। भाई सुबह सुबह की बात है कि उठने को मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम उठ के आ ही गए। मगर यार दो बारी तो नहीं, नहीं एक बारी तो इनको इनसे मना क्या कर दिया था यार, टाइम था ही नहीं। तो मगर भाई चल यार चलते हैं आज। तो आज हम टीम अस्त्रा ग्रुप के साथ, और जो हो गए हमारे साथ। तो भाई मेरे साथिया तो आगे निकल गए, सारे जितने भी मेरे फ्रेंड थे सारे आगे निकल गए हैं। पता नहीं किधर होंगे, वो ढूंढना पड़ेगा यार उनको भी। हम यहाँ पे आ गए हैं, अभी यहाँ रुक के थोड़ा करेंगे पसंद वसन।
चलो थोड़ा सा चाय नाश्ता ले लेते हैं इधर से। भाई भूख किस किस को लग रही है? सबको लग रही है भाई। ये पानी है जो भैया 2 लीटर घर से लेके आए हैं, काफी मजा आ गया। अभी चलाएंगे ड्रोन। ड्रोन ये चल पड़ा अभी। चाय कौन सी चाय है इसमें से? मेरी नितिन जी कौन सी है? नाम नहीं लिखा, सब टीम एक्स्ट्रा है। आगे चाय, अभी चाय पी। तो ये आ गए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। सो गाइस अभी नाश्ता हो गया हमारा, सबने नाश्ता कर लिया। नाश्ता हो गया भाई? लेकिन भाई कहना पराठे रह गए अभी। मैगी पता नहीं कैंसिल ये भाई। हाँ मैंने लिखा था वेक अप इन ह्यूमंस। हम सब लोग और बाइकर ग्रुप हम जा रहे थे आज एक क्रॉस राइड पे, जिसका क्रॉस था एसिड विक्टिम, रेप विक्टिम, वुमन एम्पावरमेंट और ऐसे ही कुछ क्रॉस थे। तो इन क्रॉस के ऊपर जब भी कोई इवेंट होता है तो लोग सपोर्ट करते हैं बड़ी जल्दी बाहर आने। और पर ग्राउंड रियलिटी क्या है, 10 में से ना 8 लोग क्रॉस को बेचते हैं, वो मिसयूज करते हैं क्रॉस के बहाने, वो मनी जनरेट करते हैं। तो अभी जो रिसेंट हम संडे राइड करने जा रहे थे, यहाँ भी कुछ ऐसे ही सेंसेशन हुई थी। 99% ये अजम्पशन श्योर निकली है कि जो ये बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा था इस राइड को, उसने मॉनेटरी बेनिफिट ले लिए 4 मिनिस्ट्रियों से, 4 गवर्नमेंट पैनल जुड़ गए, पोस्टर में आ गए। ठीक है, वो बंदा आ गया, उसका लोगो आ गया, एक एनजीओ आ गया, बट जब इवेंट फ्लो मांगा गया, चीज़ें मांगी गई, तो वो हर जगह फेल हो गया शेयर करने में। सारी चीज़ें पूछ पूछ के थक गए सब लोग। चंडीगढ़ से कई ग्रुप्स आ रहे थे, महाराष्ट्र से, लुधियाना से, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आ रहे थे लोग। सब लास्ट मोमेंट में सब ने बैक ऑफ करके, रीज़न ये कुछ ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में जो फ्रॉड करते हैं क्रॉस के नाम पर। क्रॉस तो कर देंगे और कोई भी सुनेगा यार क्रॉस राइड है, किसी अच्छी अवेयरनेस की राइड है, चलो चलते हैं हम सब। क्रॉस के नाम पर हर बंदा उठता है और लोग आपकी भावनाओं का बनाते हैं फ़ायदा, ये बड़ा दुख है। तो उसको ये बताने के लिए कि अगर आप ऐसे ही क्रॉस करते हो तो सॉरी, हम आपके साथ नहीं हैं। क्रॉस के लिए आए हैं, यहीं पर आ गए, क्रॉस हुआ, डिस्कशन हुआ, ये मैसेज हम सब में इसलिए सर्कुलेट होना ज़रूरी है कि अलर्ट रहो, अवेयर रहो। कभी भी क्रॉस राइड होती है तो पहले ग्राउंड रियलिटी चेक करो, चेक कर लो कि है क्या है और क्रॉस पे पर्पस पे काम हो रहा है क्या। किसी आपने किसी रेप विक्टिम को बुलाया स्पीच के लिए? क्या कोई एसिड अटैक वाली कोई लड़की आई है, लड़का आया, कोई है इन्वॉल्व ऐसा कोई बंदा उसमें जो फ्लैग ऑफ के लिए आ रहा हो? क्योंकि लोग इवेंट को सेल करते हैं, बेचते हैं। जब आपका एक बैनर बन जाता है ना इवेंट का, लोग उसको बेचते हैं, सेल करते हैं अच्छे पैसे में। ये गेम है, ठीक है। मैं ये भी कहता हूँ, ठीक है आप ऑर्गेनाइजर हो, मेहनत लगती है, पैसे लगते हैं, करो। आटे में नमक चलता है, आटे में नमक चलता है ना, नमक में आटा नहीं। तो ये रीज़न था, वो राइड वहाँ से आज हमने यहाँ बोली। ये एक तरह का आक्रोश था जो हमने उसको बताया कि हम नहीं आएंगे। हमारी वहाँ की थी सिग्नेचर ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज वहाँ जाए, ये रीज़न था। विनोद ने पूछा था कि वेन्यू एकदम से कैसे चेंज हो गया, ये रीज़न था। क्या जज्बात बदल गए? वक्त बदल गया, लेकिन बंदे वही हैं। ये पता पता यही है, एजेंट विनोद बंदे जाना ही था, तो जाना था। 11 दिसंबर आपको पता है किसी को क्या हुआ था?
2022 में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? बड़ी प्यारी आपकी अपने ग्रुप की राइड आ रही है और ये राइड होगी 1500 से 1500 राइडर होंगे, मैसिव राइड होगी। अभी जिसने D&D वाली राइड ज्वाइन करी थी बिल्कुल कुछ ऐसा ही नज़ारा 11 दिसंबर को मिलने वाला है। और क्योंकि टीम अस्त्रा इस आने वाले इवेंट का ऑर्गेनाइजर है अलॉन्ग विद 2 or 3 मोर ऑर्गेनाइजर, टोटल 4 ऑर्गेनाइजर हैं, हम भी उसमें से एक हैं, तो अपने ग्रुप से सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नए नए लोगों को मिलने वाली है। मैक्सिमम नंबर्स राइडर्स आने और आपका अपना इवेंट है, आप ऑर्गेनाइजर टीम के लोग होने वाले हो, मैसिव काम होने वाला है, क्रॉस भी बहुत अच्छा है, तो तैयारी कर देना 11 दिसंबर अपनी डेट ब्लॉक कर लेना, कहीं नहीं जाना, कुछ भी हो आपको मैक्सिमम नंबर में आना है 11 तारीख को स्पेशल टी शर्ट में जो बन के आने वाले। वो फिर देखो ड्यूटीज डिवाइड कर देंगे 3-4 फ्लोर के बंदों को, कुछ आप लोगों को भी ड्यूटीज दे देंगे, आप लोग उस पर मॉनिटरिंग करो, काम करो, जितना मैक्सिमम नंबर ये हम दिखा सकते हैं, इट शोज यूनिटी। वॉल्यूम आपको वॉल्यूम मिल गया, आप समझ लो आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा है, ये सच्चाई है जहाँ तक मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो देवियों सज्जनों अब हम लेते हैं विदा। पता नहीं था, पहली बार मैं इनके साथ आया हूँ, पहले जो राइड की थी मैंने वो D&D की थी, जब मैं माई जी ने मेरे को बताया था तो मैं वहाँ पर पहुँचा था, तो इनके जो विचार है काफ़ी अच्छे हैं, तो जैसा भी है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो वन नेशन वन राइड ये नाम आपके लिए नया हो सकता है, बट एक बार आपने जब इस राइड को ज्वाइन कर लेंगे 11 दिसंबर को, इसी साल 11 दिसंबर डिटेल्स जल्दी आने वाली हैं, तो हो जाइए तैयार, बहुत बड़ी मैसिव गैदरिंग होने वाली है 11 दिसंबर को, तो आने वाले 11 दिसंबर को मिलते हैं 11 दिसंबर पर। देखते रहिए टीम अस्त्रा चैनल, यार ये अच्छा है। आज संडे राइड में बहुत मजा आ गया है, इसी तरह आप लोग आते रहिए, जाते रहिए, मिलते रहिए, लाइक का बटन दबाते रहिए। तो होगी आज, आज का वीडियो एंड करते हैं भाई यहीं पे, और कैसे करेंगे 1 2 3 जय।